तो इसी के साथ फर्स्ट इनिंग्स ओवर हो गई है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की। बढ़िया मैच हुआ, मैच दिखा दो फेसेस में 15 ओवर तक पाकिस्तान का पड़ी दबा के मार, पाकिस्तान को बहुत मारा। मार्करम ने हेनरी क्लासन ने खेली बहुत ही बढ़िया इनिंग्स। आखिरी 5 ओवर में व्हाट अ बॉलिंग बाय, सिर्फ 5 ओवरों में सिर्फ एक ही बाउंड्री जाए, एक चौका लगा आखिरी बॉल पे, छक्का आखिरी बॉल पे, छक्का लगा आखिरी बॉल पे, छक्का लगा, व्हाट अ बॉलिंग। टोटल खड़ा हुआ 188 रन बन गया है साउथ अफ्रीका का, 189 बना रहा है। व्हाट अ बॉलिंग बाय शाहीन शाह अफरीदी भाई, 150 किलोमीटर पर आ रही यॉर्कर्स मार रहा लास्ट में। हारिस रॉफ ने भी अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छी है। आखिरी में तो छक्का मार दिया मुगाला ने, तो 188 लग गया ये स्कोर। एक टाइम पे कितना लग रहा था भाई जाएगा, एक टाइम पे ये स्कोर लग रहा था कि 200 क्रॉस हो जाएगा, 200 क्रॉस हो गया लग रहा था। जानेमन मलान ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, जानेमन मलान ने आते ही 2 छक्के 2 चौके मार दिए, पर कुछ तो होता है ना, वैसे ही ट्विस्ट हुआ। जानेमन मलान से एक बॉल छूट गई और जाकर उनके सीधा लगी पैड पे और सीधा विकेट मिल गई नवाज को, मोहम्मद नवाज लेके गया जानेमन मलान को, जानेमन मलान को आज पे मोहम्मद। और मार्करम 51 मारे मार्करम ने, उसको भी नवाज ने आउट किया। 8 चौके 1 छक्के के साथ 51 किया मार्करम ने। हाँ, मार्करम ने भी अच्छी बैटिंग करी। हेनरी क्लासन ने 25 बॉलों में 50 मार गया भाई, हेनरी क्लासन बहुत बढ़िया बैटिंग करी। पाकिस्तान को आज कम से कम मेरे को लग रहा था भाई 210 तो चेस करना ही पड़ेगा, बट जो उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करी आखिरी में, मजा आ गया देख के भाई। और नवाज फिर द्वारा 15 ओवर तक तो पाकिस्तान पे पूरी साउथ अफ्रीका भारी रही, तो आखिरी के 5 ओवरों में जो हुआ है साउथ अफ्रीका पे प्रेशर डाला, पाकिस्तान ने कम बैक किया। तो लास्ट ओवर में 2 बाउंड्रीज लगी ना, तो 15 से लेके 19 16 17 18 19 ओवर कोई बाउंड्री नहीं आई और विकेट सबकी गिरी। जॉर्ज लिंडे आउट हुआ, क्लासन भी उसी में ही आउट हुआ, सब आउट हुए। अच्छी बॉलिंग करी शाहीन शाह अफरीदी, बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया आज। और अगर अब बात करें नवाज ने फिर से पाकिस्तान की बढ़िया टीम सिलेक्शन, चलो मान लिया यार साउथ अफ्रीका आधी टीम खेल रही है, पर फिर ये पिच थी भी बैटिंग फ्रेंडली थी। अच्छा किया पाकिस्तान ने 188 तक रिस्ट्रिक्ट किया। साउथ अफ्रीका के जो अभी आधे थे वो तो आईपीएल खेलने चले गए, पर फिर भी इन एक्सपीरियंस ये टीम ने अच्छे रन स्कोर किए पाकिस्तान के लिए। तो अब क्या लगता है तेरे को 189 चेज हो जाएगा आराम से, जहां तक पाकिस्तान की टीम पे कर फकर जमान ही करवा देगा, फकर जमान करा देगा, देखते हैं फिर 189 का टारगेट है। और मेरे हिसाब से जो बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका की वो वीक है थोड़ी, इनएक्सपीरियंस भी है, और बैटिंग लाइनअप अच्छा है, फकर जमान भी है और अपना वो भी है बाबर आजम है और भी अच्छे अच्छे बैट्समैन है, तो पर रिजवान भी है। बट आज उस्मान कादिर को भी मार पड़ी, उस्मान कादिर को भी मार पड़ी आज। आज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को जिन्होंने अपना दम पूरा लगा देना है तब जाके जीत सकती है। नहीं तो ये इधर 80% मैच साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप देखते हो, शम्सी के अलावा कोई इसमें है नहीं, ब्यूरन हेंड्रिक्स है वो भी खास चल नहीं रहा, तो मैच तो किसका दिखता भाई यहाँ से जीतता हो, यहाँ से तो पाकिस्तान पाकिस्तान की जीत लग रही है। पर कुछ भी टर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय पे कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है साउथ अफ्रीका कितनी जान लगाता है बॉलिंग में। तो पाकिस्तान ने तो अच्छा किया, आखिरी में मोमेंटम के साथ फिनिश किया, वो तो छक्का लग गया आखिरी बॉल पे, कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं। तो किससे उम्मीद है, कौन मारेगा सबसे ज्यादा रन, और क्या अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान के इस चेस को कंप्लीट करने के लिए, कैसे खेलना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान का पहले फर्स्ट जो ओपनर्स है अपने, वो मेरे को तो जहां तक लगता है इतनी अच्छी बैटिंग लाइन है, उन्होंने ओडीआई में भी बहुत आराम से खेला, बाद में धो दिया, तो मेरे ख्याल से वो पहला ओवर या 2 ओवर खा के आराम से खेल के उसके बाद वो धोना स्टार्ट कर देंगे इनको। और पाकिस्तान का फकर जमान का अप्रोच भी यही रहता है, उसके अगर आ गई पाले में बॉल, मतलब उसको जो दिक्कत देने वाली है उसको आराम से खेलता है, पर जो बॉल अंडर डाल दी गंदी बॉल उसको फिर वो भेज देता है स्टैंड्स में। बिल्कुल सही बात है, तो फकर जमान से उम्मीदें रहेंगी कि फकर जमान ऊपर से अच्छा खेलेगा और पाकिस्तानी स्कोर को चेस करेगा। तो फिर तेरी पिक पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका चाहता था जीते, मैं तो चाहता नहीं पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान बढ़िया चेस करे पर साउथ अफ्रीका भी जोर लगाए, इवन मैच देखने को मिले, अच्छी फाइटिंग, टक्कर का मैच देखने को मिलता, मजा आता है वन साइडेड नाउ, और वैसे भी 190 का स्कोर वन साइडेड होना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद हम मिलेंगे सीधा आपको, मैच खत्म होता है तब इसके मिड इनिंग्स में इसके मिड इनिंग्स में भी मिलने वाले हैं, डीसी वर्सेस सीएसके की मिड इनिंग्स में भी लाइव आएंगे अभी हम। तो मैच चल रहा है उधर, बट हमने कहा पाकिस्तान का मैच भी हम देख लेते हैं, तो अभी डीसी की फर्स्ट इनिंग्स, डीसी की सीएसके की फर्स्ट इनिंग्स चल रही है, तो लेट्स सी क्या होता है उधर। और पाकिस्तान ने काफी अच्छा करा आखिरी में, रोका है 189 का टारगेट है, देखते हैं कि पाकिस्तान इसको कैसे चेस करता है। तो यार पे चले फिर,
चलते हैं तो मिलेंगे आपको अब डीसी वर्सेस सीएसके की फर्स्ट इनिंग्स में, जब खत्म होगी तो लाइव आएंगे, उस टाइम प्लीज आइएगा, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, अभी चलते हैं फटाफट, बाय बाय, टाटा।